तो गाइज आज हम बात करेंगे 6283 आडियो सर्किट बोर्ड के बारे में, जिसमें मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा और इसकी वायरिंग वगैरह और इसके बारे में सब कुछ फुल जानकारी दूंगा। तो आपको अगर ये जानकारी देखने तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और समझे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। माय नेम इज शाहरुख। तो सब कुछ सीखे एक्सपीरियंस में वापस आपका स्वागत है। तो चलिए गए हम इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सर्किट बोर्ड है, काफ़ी बढ़िया है, इसमें आडियो आउटपुट निकलता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये कंपनी का प्रिंटेड दे रखा है 6283। तो मैं आपको इसकी फुल डिटेल समझा देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं आमने सामने दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दो कैपेसिटर आमने सामने लगे हुए, जो कि ऑडियो आउटपुट के लिए रहेंगे, और ये बड़ा कैपेसिटर है जिसमें हम इसमें पावर सप्लाई देंगे 12 वोल्ट, और ये 4 डायोड लगे जो कि एसी को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा ये। और ये दो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसके ऑक्स केबल के लिए रहेगी, और ये पीछे एक हीट सिंक दे रखी है ताकि ये आईसी हीट हो तो ये इसमें एग्जॉर्ब कर ले। तो इसके पीछे आते हैं हम गाइस। तो इसमें पीछे का प्रिंट भी आपको समझा देता हूँ मैं किस तरीके से इसकी वायरिंग होगी और कहाँ पर कनेक्शन होंगे। तो ये आमने सामने जो कैपेसिटर दे रखे है गाइस, इसमें माइनस के जो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ से हम इसमें ऑडियो आउटपुट लेंगे जो कि स्पीकर में वायर जाएंगे हमारे। और ये पीएफ दे रखा है इसमें गाइस, तो यहाँ से इसमें ये इसका ग्राउंड चल रहा है, आप देख सकते हैं प्रिंट आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये भी स्पीकर में वायर कनेक्शन होंगे। तो ये डबल चैनल आईसी है गाइस, जिसमें दो स्पीकर के कनेक्शन होंगे। और ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाली दो रेजिस्टेंस दे रखे इसमें। तो इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो प्रिंट आप देख सकते हैं 7 नंबर से जो आ रही है रेजिस्टेंस, तो इसमें हम इस बीच वाले पॉइंट पे ग्राउंड देंगे। और ये फर्स्ट की जो रेजिस्टेंस है गाइस, यहाँ से हम इसमें लेफ्ट चैनल का कनेक्शन देंगे। तो आपको पता ही होगा कि मेरे चैनल पे कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती है, तो जो भी रियल बात होती है मैं आपको भी बताता हूँ। तो ये देख सकते गाइस, इसमें बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 16 वोल्ट है, 2200 UF का है। और ये डायोड दे रखे 4, तो यहाँ से हम इसमें एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। और ये इसके पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ से इसमें कनेक्शन होंगे। तो इसके हम कैपेसिटर चेंज करेंगे ताकि हम इसको ट्रांसफॉर्मर से जब भी चलाए तो उसमें पावर ज़्यादा आए तो ये एग्जॉर्ब कर ले। तो ये 25 वोल्ट का कैपेसिटर 2200 UF का है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो चलिए गाइस फटाफट हम इसको चेंज कर लेते हैं और इसकी वायरिंग आपको दिखा देता हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और दोस्तों यार भी शेयर करिए। तो इसका मैं कैपेसिटर चेंज कर देता हूँ, तो इसका सोल्डिंग के हेल्प से मैं इस कैपेसिटर को निकाल रहा हूँ। तो ये कैपेसिटर आप ख़राब नहीं है, तो ये आपके यूज़ में आ सकता है आने वाले प्रोजेक्टों में, तो आप इसको संभाल के रखें। तो ये इसके माइनस का पॉइंट है कैपेसिटर का, ये काली लेक आपको दिखाई दे रही होगी। तो उसी तरीके से हम इस कैपेसिटर को वापस लगा देंगे ताकि इसमें वोल्ट की वैल्यू बढ़ जाए और ये कैपेसिटर फटे नहीं। तो इसलिए हमने 25 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करा है 16 वोल्ट का निकाल के। तो इसकी सोल्डिंग कर देता हूँ, बढ़िया सी सोल्डिंग काफ़ी अच्छी करनी है आपको ताकि ये हिले नहीं। तो ये हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है और इसके एक्स्ट्रा लेग को भी हम कट कर देते हैं। जैसे हमारे आने वाले प्रोजेक्ट में हम गिव करने वाले हैं, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मैंने येलो कलर का वायर माइनस के पॉइंट पे लगा दिया कैपेसिटर के, और ये अर्थ पे एक वायर को लगा रहा हूँ मैं। तो ये हमारे एक स्पीकर के कनेक्शन कम्प्लीट हो चुके हैं, और ये दूसरा स्पीकर का भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल कनेक्शन है, बस आप समझिए और देखिए, वीडियो को पूरा देखना। तो इसका एक और कनेक्शन मैं इस अर्थ पे करूँगा जो कि कैपेसिटर से आ रहा है। तो ये हमारे दो स्पीकर का कनेक्शन इजीली हो गए हैं। अब इसके ऑक्स केबल का भी हम कनेक्शन कर देते हैं, तो ऑक्स केबल का कनेक्शन भी काफ़ी आसान है। तो ये ग्राउंड के लिए मैं वाइट वायर ले रहा हूँ। तो गाइस आप वायर कौन से भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, और ये वाला सिल्वर वायर मैं लेफ्ट चैनल के लिए लगा रहा हूँ, और ये राइट चैनल के लिए मैंने
पर्पल वायर लगाया है। तो ये ऑक्स कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम पावर सप्लाई के कनेक्शन भी कर देते हैं। तो आप डायरेक्ट इसको 12 वोल्ट बैटरी से भी चला सकते हैं। उसके कनेक्शन आपको डायरेक्ट कैपेसिटर पर करने पड़ेंगे। और ये मैं ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहा हूँ 012 का, आप 1212 का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें सिर्फ दो वायर यूज़ करने हैं। अब 012 के दो वायर यूज कर सकते हैं। तो ये येलो कलर के वायर हम इसमें एसी वोल्ट के 12 वोल्ट के, जो कि हम इसमें डायोड पे कनेक्शन कर देते ताकि ये हमारा डीसी वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके कनेक्शन हम डायोड की सीरीज पे कनेक्शन कर रहा हूँ मैं, जो कि मैंने आपको पॉइंट दिखाए थे। तो ये कम्प्लीट ही इसमें हमने 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं ब्लूटूथ पैनल है, जो कि 5 वोल्ट से वर्क करता है। तो आप इसको मोबाइल चार्जर से भी चला सकते हैं और मोबाइल की बैटरी से भी चला सकते हैं। और इसके मैं आपको कनेक्शन समझा देता हूँ। ये लेफ्ट ग्राउंड, राइट और एंटीना का कनेक्शन दे रखा है। तो हम इसकी भी वायरिंग कर लेते हैं। तो वायरिंग तो जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी वहीं इस पर इसके वायर को, लास्ट वायर को यहीं पर लगाना है। तो लेफ्ट चैनल पर हम लेफ्ट वायर लगा देंगे, जो कि हमने सिल्वर वायर यूज़ करा था, वो ग्राउंड के लिए हमने वाइट वायर यूज़ करा था। तो हम इसको भी सोल्डिंग कर लेते हैं। और ये वाला वायर पर्पल कलर का, ये हमारा राइट चैनल के लिए रहेगा। तो ये ब्लूटूथ पैनल की भी वायरिंग हो गई है। और हम ये स्पीकर के वायर भी कनेक्शन कर देते हैं। तो ये डायरेक्ट हम स्पीकर में, जो कि इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, तो ये डायरेक्ट इसमें लगा देंगे। कौन सा भी वायर कहीं पर भी लगा देना स्पीकर में, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। तो दोनों स्पीकर में मैं वायर कनेक्शन कर देता हूँ फटाफट। और आगे बनी रहिए आप वीडियो में, मैं इसको आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। तो ये हमारा स्पीकर कनेक्शन भी हो चुके हैं कम्प्लीटली। तो मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ। इसका टेस्टिंग का टाइम शुरू हो चुका है। और उससे पहले मैं आपको इसमें ब्लूटूथ पैनल में मैंने जो कि चार्जर का यूज़ करा है वो भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। तो चलिए गाइस इसको टेस्टिंग करते हैं। हो तो लाइक करना ना भूलिए और दोस्तों का शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।